आज के दिन से मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ पूरे मेरे बड़े भाई और बड़े बहन की शादी की। पता नहीं कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। ये पूरा सामान, इतना सारा सामान है शादी का, दोनों बहनों भाइयों पर, पूरी भाई, दूल्हा भाई। सच में बन रही है जी। हम लोग जा रहे हैं ऑटो बुलाने, भाजन और मैं। भाई यार, भाई यार, जल्दी को ऑटो लेके मैं जल्दी से घर पे आ गया। इस्तेमाल सेट कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है ये। हम चार ऑटो लेके आए थे, एक एरा और दो उधर की तरफ है। ऑटो में सामान इतना ज़्यादा था कि मैं सही से बना नहीं पाया वीडियो, और अब हम सामान लेके जा रहे हैं। ये देखो भाई कितना सामान है, इतना सारा सामान, सब लेके जाना है वहाँ तक है। दो कूली माने, एक एरा सारा सामान ला के कूलिंग ने यहाँ उतार दिया, और ये आ गई हमारी ट्रेन। ये देखो इतना सामान है, क्या लोग नहीं जाएंगे, पर हम लोग यहाँ सो नहीं सकते क्योंकि सोने के लिए ये जगह है ही नहीं। तो इतना सामान है, मम्मी मम्मी स्माइल, मालगाड़ी लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है किसी गोदाम का मैं सीन दिखा रहा हूँ, उधर से रोशनी आ रही है। ये लड़की, इसकी शादी हो रही है, कैसा लग रहा है आपकी शादी? हम लोग ऐसी ऐसी मजाक बातचीत करने लगे, और करने के लिए कुछ था नहीं तो बातचीत कर रहे थे और खेल रहे थे एक दूसरे के साथ गेम। फिर मुझे एक चीज नजर आई, ऊपर सामान ना वो, हाँ ये ऊपर सामान हमारा ही रखा हुआ है, और ये गिरेगा यहाँ, ये गिरेगा इनके ऊपर। अच्छा। जैसे जैसे हमें सोने के लिए जगह मिली थोड़ी देर के लिए, मैं और मुन्ना एक ही सीट पे सोना पड़ा हमें। देख लो भाई, अब लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसे। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। फिर उठने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि मैं कैसे 4-5 घंटे सो गया, लेकिन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। और मैं ये बता रहा था कि रात के 9 बज चुके हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और बैठने की जगह तक नहीं है, बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था। फिर हमने सामान के ऊपर सामान रख के खाना उसी के ऊपर खाया आराम से बिल्कुल। फिर हमने थोड़ी पागलबंदी शुरू की। रात हो गई थी, सब कोई सो गए थे, मैं जागा हुआ था कुछ देर तक, किसी को जागना पड़ रहा था सामान देखने लिए, कुछ देर के लिए किसी और को, अभी मेरी बारी चल रही थी, फिर मैं सो गया। इस सुबह हो चुके, सब कोई उठ चुके, अब तक सब उठ गए। ये देखो, ये देखो सब सो रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, बाहर के नज़ारे, आवाज़ आ रही है नहीं जा रही होगी, बाहर बारिश हुई है, मौसम अंदर ठंडा, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। मिलते हैं, चाय पीते हैं, चाय वाला आया तो चाय पियेंगे। इंतजार करते करते कोई चाय वाला नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद स्टेशन आ गया। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं है, अब हम लोग उतरने वाले तो सारा सामान ये रहा, चलो सामान लाओ, तो व्यापारी आ गया, सारा सामान इनको उतरना पड़ेगा। हाँ लेके जा रहे हैं, सारा सामान ये रहा, लेके उतरने जा रहे हैं, जा रहे फिर ये स्टेशन आने वाला है, हम लोग पहुँचने वाले हैं, सारा सामान बाहर उतार के रख दिया गया है, ये रहा भारी रखा हुआ है सारा सामान, थोड़ी देर में स्टेशन आएगा, क्या हम लोग उतर जाएंगे, बाकी अभी यहीं पे रखा हुआ है, इनको भी लेके जाना है। ये रहा सस्ता भूमि, हम लोग पहुँच चुके हैं एक जगह, मुझे सामान फाइन लगता है ज़्यादा सामान रखने से, नहीं तो लेके निकलते हैं, चलो सामान लेके जा रहे हैं, क्या हमारे भाई है, अरे ब्लॉगर ब्लॉगर देखो तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, चलो चलो सामान लेके चलते हैं। दो दिन ब्लॉग में काफी लोग स्टेशन पे लेने आ गए थे, तो इसीलिए हम आराम से जल्दी से सामान लेके पहुंच गए। हो गया। ये ई रिक्शा भर चुका है ये वाला, और एक भर के जा चुका है, तब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बाइक से, पीछे पीछे गाड़ी आ रही है, ये रही ब्लॉगिंग, यहाँ पे रहेंगे हम लोग, पहुँच गए।
ये रिक्शा वाला ले आ गया सामान, उसके बाद हम सामान उतारने और सेट करने में लग गए, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। ये सारे मजदूर हमने रखवाए काम करने के लिए, सबको एक एक रुपये दिहाड़ी मिलेगी, सबको तैयारी मिलेगी। ये हमारे मानिए नहीं देगा तो ज्यादा सब एक एक पर मारेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बता दी तुम सब ये वाला भी ले जाना है। चलो यार बाहर चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए सामान कुछ रखने के लिए, और उसके बाद नहा धुला के तैयार हो जाएंगे, फिर नमाज पढ़ने जाएंगे। नहा धुला के हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम तीन भाई अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने। ये मेरा सबसे बढ़िया भाई है। घर पे आ गए, हम कपड़े वपड़े चेक कर रहे थे, मस्त लग रहा है, बिल्कुल मस्त मस्त। आते ना पैंट क्या तुम कर रहे हैं? ये साकिब के जैसा मैं हो जाता तो कितना अच्छा। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? बातचीत चल रही है भाई, सभी बैठ गए अपना जी टी वेर। देख इधर बैग, अभी हम लोग जा रहे हैं बल्ब लगाने, वहाँ फिर हम लोग बल्ब लगाने लगे पूरे घर में हर जगह। जो देता उसने चलो पूरे घर में लाइट लग गई, ब्लॉग बना लेते थोड़ा सा। फास्ट फॉरवर्ड जब मैं गेट लगा रहा था तो भाइयों ने बंद कर दिया, मेरे पागल भाइयों ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है, सारे गेट लॉक कर दिए। मैं इधर कुंडी लगा रहा था, इधर से बंद करके चले गए, ना अब इधर से कुंडा ना उधर से कुंडा, बाहर कोई है क्या? गुणिया पे इनको बोलता हूँ खुलने के लिए। ये गेट किसी से नहीं लग रहा था तो मैं लगा रहा था। हेलो, तो हम लोग जा रहे हैं चला रहे, हमारी हालत खराब हो गई। हाँ चालू तो खिला रहा है हमें ये, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कम चल। तो आज का दिन खत्म हो चुका है, अभी रात के 9 बज रहे हैं। बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है, बाकी की वीडियोस उस टाइम बाद ही आएंगी। देखते रहो क्योंकि बहुत कुछ होना है, क्योंकि अब हम लोग सारे कजन्स भी लेंगे और सब कुछ करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बस देखते रहो, आज के दिन में कुछ खास था नहीं, जितना था सब देख लिया। देखते हैं कल, कल जो होगा कल देखा जाएगा।